Assalamualaikum. जी, जी क्या हाल है आपके बस मैं एक साल से बहुत डिप्रेशन में हूँ एंजाइटी में हूँ। ठीक है सर में बहुत दर्द रहता है और मतलब तो खौफ रहता है मौत का ना और इतने में डॉक्टर्स मैंने इलाज कराया है मैंने रूहानी इलाज करवाया है कोई कहता है नजर है लेकिन ना सर का दर्द नहीं जा रहा है मेरा मैं नींद भी नहीं आती है बहुत डिप्रेशन है मेरी बेटी है और हस्बैंड भी नहीं मेरे। बहुत है बहुत परेशान रहती हूँ कोई दर्द समझता ही नहीं है समझते हैं कि सब कहते कमजोरी है चक्कर बहुत आते हैं मुझे सर का दर्द इतना है में मेरे ना सर फट जाएगा बहुत दर्द होता है इतना दर्द बर्दाश्त मतलब बर्दाश्त नहीं होता वक्त मैं इतना काम करती थी मुझसे कोई काम भी नहीं होता घर में दर्द होता है। मेरे बहुत डिस्टर्ब बहुत हो रही हूँ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कुछ खाते मर जाऊँ फिर एक बेटी है उसको चेहरा देखती हूँ आपकी वीडियो देखी है ना मैंने काफी तो तो कुछ बेहतरी आई है अलहमदुल्ला जबरदस्त हो गया ठीक हो गया और कुछ हिम्मत मिली है आप आप जब निकल गए कहते हैं मैं मैं ना तो exactly. तो मुझे, है, mm -hmm. मुझे सुकून बहुत मिलता है उस वक्त जबरदस्त जबरदस्त दुआएं करती हूँ आपको लंबी दे और आप काम हमेशा करते रहिएगा अच्छा और इसके अलावा कोई और चीज बस ये तीन चार चीजें बहुत डिस्टर्ब कर रही है मुझे

हस्बैंड से अलहदगी होगी आपकी हस्बैंड से अलहदगी कितने अरसे से हुई है तेरा साल हो गए मुझे और तेरा साल पहले लाइफ सेट थी आपकी सॉरी आपकी आवाज क्या कह रहे हैं आप मैं कह रहा हूँ तेरह साल पहले आपकी लाइफ बिल्कुल सेट थी मैं मतलब हाँ से बिल्कुल सेट थी उनके मतलब उनसे अलहदगी हुई तो थी मैं एक साल... एक साल से, एक साल से साल से मैं मैं बहुत बीमार पड़ी खाने को भी दिल नहीं चाहता आपकी पहले नींद खराब हुई थी पहले ये बॉडी पेन्स आपको शुरू हुई थी पहले मेरी पेन्स में दर्द में दर्द कमर था था। में दर्द सर में दर्द इतना नहीं हुआ कभी मैं ऐसी बीमार नहीं पड़ी काफी डॉक्टर को दिखाया टेस्ट करवाया सब टेस्ट के लिए आने तो अब मेरी मम्मी आज यही कह सर का एक्सरे तुम्हारा करवा देती हूँ सर में तुम्हारे इतना दर्द चल रहा है हम्म हम्म ठीक हो गया अच्छा ये नींद जो है ये आपकी कब से डिस्टर्ब है जी आपकी नींद कब से डिस्टर्ब है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे मैं पूछ रहा हूँ आपकी नींद कब से डिस्टर्ब है कामरान भाई आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही नींद में तो सुबह हो जाती है मुझे कभी छह सात बज जाते हैं मुझे आपकी अभी बेटी का स्कूल का टाइम हो जाता है छोड़ने का तो फिर आठ बज जाती है आवाज आपकी आवाज कटगी कारण मुझे दोबारा बताइएगा कितने बजे सोती हैं आप कितने बजे उठती हैं बेड टाइमिंग थोड़ी बताइएगा

हेलो मुझे आप बताया मैं सर के दर्द के लिए क्या करूं सर का दर्द बहुत है आप आठ बजे सोती हैं तो फिर उठती कब है बारह बजे साढ़े बजे ठीक है फिर उसके बाद आप क्या करती हैं सारा दिन फिर उसके बाद बेटी को स्कूल से लेके आना होता है डेढ़ पौने दो बजे फिर वो आती है उनको देखना मतलब खाना वाना देना उसके बाद फिर उसमें देखती नमाज पढ़ती हूँ और बस शाम में फिर उनको खाना घर के थोड़ा काम करती हूँ रोटी पकाती हूँ और बस ये होता है थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ घर का अब तो खैर मुझसे काम भी नहीं होता है घर का पहले बहुत काम करती थी अब मुझे हिम्मत नहीं होती काम करने की एज कितनी है आपकी थर्टी फोर थर्टी फोर और बॉडी वेट कितना है आपका मेरा वेट है सेवेंटी और तकरीबन ऑलमोस्ट हाइट कितनी होगी आपकी हाइट का कोई आईडिया है आपको मेरी हाइट होगी फाइव पॉइंट होगी आई थिंक टू या थ्री होगी आई मेरी होगी फाइव पॉइंट कुछ होगी चलिए ठीक हाँ है इतनी होगी जी जी अच्छा अब आप साढ़े बारह बजे उठती हैं तो नाश्ता कितने बजे करती हैं <laughs> नाश्ता मैं बहुत कम करती हूँ नाश्ता मैं नहीं करती मैं खाना खाती हूँ दोपहर तो का फिर ढाई तीन बजे ठीक है नाश्ता तो में द... कभी कभी करती हूँ ठीक हो गया वो मतलब नहीं करती की कैटेगरी में आता है। और दोपहर के खाने में क्या खाती हैं आप मोस्ट प्रोबली जब खाती हैं ढाई तीन बजे सालन रोटी खाती हूँ ज्यादातर ठीक है और रात के खाने में वो कितने बजे खाती हैं आप खाना खाती हूँ मैं साढ़े दस पौने ग्यारह बजे क्योंकि जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है ना आपने कहा है ना खाना खाने की टाइमिंग अपने जल्दी खाए जल्दी तो टाइमिंग मेरी खाने पहले देर से होती थी रात को साढ़े ग्यारह जब से मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी तो मैंने अपना टाइमिंग खा की खाने की जी जी आपकी वीडियो देखी जब से मैंने ना तो अपनी मैं टाइमिंग कम करने लगी हूँ क्या आपने कहा ना सही होना है अपने सोने की टाइमिंग सही करनी है खाना पीना जल्दी करना है तो आपकी वीडियो काफी मुझे हौसला मिला है लेकिन खाली अल्लाह पे कह देने से यकीन नहीं होता ठीक है अल्लाह पे यकीन का मतलब ये बात मुझे मेरी माँ ने समझाई थी बेटे अल्लाह पे यकीन क्या होता है मैंने मैंने भी ये सवाल किया था अम्मी मैं तो अल्लाह पे यकीन करता हूँ और मैं ठीक नहीं हो रहा तब तो मुझे मेरी माँ ने एक बात बताई थी कि अल्लाह पे यकीन का मतलब ये होता है कि आप अल्लाह की भी मानो और उसके रसूल की भी मानो और जो रास्ता उसने बताया उस रस्ते पे चलो ठीक है ना तो आप सुन्नत के मुताबिक खाना खा रही हैं ना आप सुन्नत के मुताबिक जो है वो सो रही हैं ना आप सुन्नत के मुताबिक लाइफ स्टाइल को अपना रही हैं ठीक है थीके? आप वेस्टर्न कल्चर का लाइफ स्टाइल अपना रही हैं जो आज से पचास साठ साल पहले उन्होंने अपनाया था और अब वो भी थक गए तो फिर उन्होंने भी जो है ना डिप्रेशन सबसे पहले उन्हीं कंट्रीज में आया था तो फिर उन लोगों ने छोड़ दिया फिर हम चूंकि अलहदगी तो अच्छा, हुई तो तब आपकी लाइफ कैसी थी मतलब हस्बैंड से अलाइगी होने की वो खास रीजन थी क्या रीजन उसमें थोड़ा मुझे बताएंगे आप कुछ भी कुछ भी नहीं था नहीं क्या हुआ एकदम से थोड़ी बहुत बात हुई थी लड़ाई थो, थोड़ी सी हुई थी वो खुद भी हैरान हो गए थे ये हो क्या रहा है, और मैं भी हैरान हो रही थी जी अली वहाँ से भी थी यहाँ से भी थी मगर हम भी, भी नहीं जा रहे थे और अजान हो गई एक मिनट <laughs> you uh -huh. जी जी की हमारी हो गई थी हम जो थे हस्बैंड और मेरे और ना हम दोनों अलग होना नहीं चाह रहे थे बस मेरी सास की वजह थोड़ा सा इशू था और बस वहां से भी सास जा, चाहिए हम अलग हो जाए और यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई कि बस अलहदगी हो जाए हम शादी मेरी तीन साल चल रही है उनके साथ और बस हम अलग होगा अफसोस बहुत होता है आपको नहीं लगता है तो आपको नहीं लगता कि यही जो टेंशन अंदर खाती जा रही है जी यही खा रही है मुझे लग रहा है और उनकी मुझे याद भी बहुत आती है ठीक है हकीकत ये है कि औरत जो है ना वो मर्द के लिए बनी है वो मर्द के बगैर के रह ही नहीं सकती आप अपना इलाज इधर उधर ढूंढ रही हैं आपका इलाज आपके है। पास ही है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है ये खा रही हैं आप खाती रहे इनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि जो प्रॉब्लम अंदर होती है ना उसे कभी भी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकती ठीक है मेडिसिन हमें वक्ती तौर पे सुन तो कर सकती है मेडिसिन हमें वक्ती तौर पे सुला तो सकती है लेकिन कोई इंसान हमारे अंदर से बुला नहीं सकती अब देखिये अगर आप इसी डिप्रेशन को अंदर पालती रहेंगी कि मुझे दोबारा उनके पास जाना है या मुझे दोबारा कनेक्शन किस हैसियत से आप बना सकती हैं पहली चीज ये डिवोर्स हो गई ठीक है कुछ गलती आपकी भी होगी और कुछ आपके हस्बैंड की भी होगी ठीक है ये मैं मान ही नहीं सकता कि दो लोग साथ नहीं छोड़ना चाहते और कोई छात छुड़ा दे ठीक है बहुत सी चीजें होती है इंसान वक्ती तौर पर ना बातों में आ जाता है और ये बात हकीकत है कि बंदा बातों में बड़ी जल्दी आ जाता है अब चलें जैसे भी अल्लाह तला ने सही अल्लाह तला ने तो नहीं किया ये हम लोगों के अपने अमाल होते हैं हम ही करते हैं इंसान ही अपने लिए बुरा करता है अल्लाह बुरा नहीं चाहता बंदे के लिए बंदा ही अपने लिए बुरा लिखता है अब जैसे भी आपने किया या आपके हस्बैंड ने किसी ने भी सो वट किया अब लाइफ को मूव ऑन करें ठीक है अब उनको याद कर लेने से या उनको याद कर करके के मुझे पता है आपको सबसे ज्यादा याद उनकी रात को आती होगी इसलिए आपको रात को नींद नहीं आती आप बेचैन हो जाती हैं सारी रात आप जो मर्जी कर लें आपको नींद नहीं आएगी अब इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि उनको पूरा दिल से निकाल दें मैं जानता हूं ये मुश्किल है नामुमकिन इनफैक्ट ये मतलब एक माँ बाप तलाक करवाते हुए सोचते नहीं है बहन भाई तलाक करवाते हुए सोचते नहीं है कि यार शोहर तलाक देते हुए सोचता नहीं है मैंने जितनी भी कामयाब शादियां देखी है ना मैंने सिर्फ एक इंसान की वजह से कामयाब देखी है औरत अगर बदजुबान नहीं और मर्द अगर गुस्से का पक्का है यानी कि वो गुस्से का गुस्से में फैसला नहीं करता और पक्के से पक्के गुस्से को भी वो कंट्रोल करना जानता है मैंने बड़ी बड़े कम लोगों को तलाक जी। देते हुए देखा दो है दो रीजनस हैं जिनकी वजह से तलाक होती है जब औरत बदजुबानी करती है और बदजुबानी की वजह से तो मैंने इतनी इतनी अच्छी औरतों को भी तलाक होते देखती बाद में मुझे उन्होंने कहा कि सर हमारी गलती थी, थी हम शॉर्ट आउट हो गई थी बाद में फैमिली इन्वॉल्व हुई अब वो लड़कियां रुलती सबसे औरत है हमारे इस माशरे में ना औरत का कोई दूसरा मुकाम नहीं है औरत को कोई दूसरी दूसरी मतलब आपसे मतलब इस माशरे का मर्द बगैरत है मैं सीधी बात करता हूँ मर्द बग़ैरत है तो औरत बेपर्दा है हम सबको अपने अपने हिस्से की बग़ैरती को ख़त्म करना पड़ेगा मेरे घर की अल्लाह का शुक्र है मेरी बीवी आज तक मेरी शादी को मतलब बारह साल प्लस हो गए आज तक मेरी बीवी कभी घर से बाहर नहीं निकली मतलब मैंने कभी उसको कोई इस, इस तरह की चीज दी नहीं जहां निकलना मेरे साथ निकले तो मर्द बड़ा रिस्पॉन्सिबल है औरत भी रिस्पॉन्सिबल है अब ये सब हो गया तकदीर में हो गया अब आप क्या चाहती हैं जाहिर है उनके पास तो आप जा नहीं सकती अब कौन सा आपकी नजर में एक आस है जो आपको अंदर से जला रही है उस आस को देखते हैं और आप यकीन कर रहे हमारी लड़ाई भी नहीं होती थी और उनको तो गुस्सा आता ही था और बस ये वहां से कुछ मेरी सास ने कुछ चीज चोरी करी थी तो वो बात यूं आप उस पर उठी थी बस कि उन्होंने चीज़ चोरी कैसे करी तो मेरे थोड़े से तो घर तो के बड़ों को गुस्सा आ गया था इस बात पे मैं, मैं कह रही ना उस वक्त हमारी कोई बात ना लड़ाई हुई थी हमारे मिया बीवी में कुछ बात नहीं थी बस वहाँ से कुछ चोरी की थी मेरी सास ने और यहाँ पता चल गया था मेरे घर वाले घर के बड़ों को तो इन्होंने इस बात पे ऑप्शन उठाया कि नहीं अब तुम्हें तलाग तो ये बात यूं और अल्लाह आपके बड़ों को हदायत दे अल्लाह आपके बड़ों को लंबी जिंदगी दे सेहत दे तंदुरुस्ती दे ये क्या फैसले कर लिए आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है हमारे बड़ों को अल्लाह बस लंबी जिंदगी दे और इनको सेहत दे तंदरुस्ती दे। इन्होंने कभी अपने छोटों के दर्द को समझा ही नहीं ये सबके बड़े ऐसे ही होते हैं बस माँ बाप के आगे उफ करने का भी हुक्म नहीं तो इसलिए इंसान खामोश ही हो जाए तो बेहतर है वरना मेजोरिटी में बड़े वो फैसले करते हैं जिनको बच्चों को भी पता होता है कि इनका नुकसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों पर आएगा लेकिन अफसोस है अब दुख है अब दुख के सिवा कुछ और हो नहीं सकता ठीक है जो अंदर एक आस है ना उसको खत्म अब मैं ये तो बोलती बड़ों को मैं कर, मैं बड़ों को ही तो बोलती हूँ अकेले मैं रोती हूँ अकेले मैं डिस्टर्ब हो बीमार मैं पड़ी हूँ टेंशन मैं लेती हूँ मेरे साथ कौन देता रहा है कोई साथ नहीं देता मेरा मुझे अफसोस हुआ मैं इस माशरे में एक ही चीज चाहता हूं कि इस माशरे का मर्द जो रिस्पॉन्सिबल मर्द है वो चार शादियां करे और जो तलाक याफ्ता और बेवा औरतें हैं सबसे पहले हकूक इनको दिए जाएं सबसे पहले इन औरतों का सोचा जाए अब कोई आपका नहीं सोचेगा आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा उस डिसीजन को इस तरह ले कि पहला जो है वो आप सबर का दामन पकड़े अगर सबर आप कर सकती हैं तो क्योंकि सबर बड़ा मुश्किल है ये छोड़ दें कि ये जो ये जो जो मर्द दूसरी शादी करना चाहता है या जो औरत दूसरी शादी करना चाहती है ये जो लोग आके तलकीन करते हैं सबर करो सबर बड़ा मुश्किल है मैं इतना जानता हूं को वो एक दिन नहीं निकाल सकता जो बातें हैं करते हैं ना सबर सबर नहीं बहुत होता मुश्किल है बहुत मुश्किल है जो उस चीज में गुजरता है ना वो ही जानता है उसकी आंखों के आगे पूरी रात गुजरती है वो जी, जब सुबह उठता है थका हुआ उठता है उसके अंदर ताकत नहीं होता उस होती उससे बोला नहीं जाता मुझे तो समझ नहीं आ रही आप किस तरह बोल रही है मुझे तो, मैं तो आपकी हिम्मत को देख के हैरान हो रहा हूं कि माशाल्लाह आप इतनी हिम्मत आ है इस हिम्मत को बचाए अपनी बेटी के लिए पहली चीज सबर कर सकती है सबर करें अगर नहीं सबर होता तो किसी भी सूरत अपने गुना का रास्ता नहीं इख्तियार करना आप सबसे पहले अपनी माँ से किसी भी चीज से कि जी आप इतनी दवाइयां खिला रहे हैं मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मेरा निकाह कर दे कहीं सीधी और साफ बात है आपने शरण किसी से शादी करनी है दीन ने भी कहा है आपका राइट है आप निकाह करें किसी से खाम खा यूं क्यों अपने आप को बर्बाद करने से क्या मिलेगा आप जो दवाइयां खा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पुश बैक कर रही हैं और इनसे आपको कोई रिलीफ भी तो नहीं मिल रहा जल्द जल्द कर लेते हैं तो आपको मसला बड़ी जल्दी हल हो जाता है अपने माँ बाप से बात करें उन्हें समझाएं। नॉर्मली कम ही चांस होते हैं कि माँ बाप समझे लेकिन आप दरअसल प्यार से समझाएंगे या घर में जो भी कोई आपकी बात सुनता है उसको आप अपनी बात बताएं क्योंकि आप अभी माशाल्लाह चौंतीस साल की है अभी आपके पास पूरी उम्र है पाकिस्तान में तीस साल की औरत को बूढ़ा समझ लिया जाता है मेरे पास साल की यूरोपियन आती है ठीक है, है।, है वो अपने आप को बीस साल की लड़कियां समझती है। हमारे इधर क्या कल्चर है जी चालीस साल, साल का मर्द भी बूढ़ा हो गया और तीस साल की औरत भी बूढ़ी हो गई किस तरह का हम कल्चर पाल रहे हैं मतलब हम खुद ही अपने हाथों से अपने मुसलमान मर्द भी मार रहे हैं और मुसलमान औरतें भी मारते जा रहे हैं रिश्ते आते हैं मेरे अच्छा। मगर कोई समझ नहीं आता है कोई अच्छा मतलब के समझने वाला मुझे मैं ऐसा मिले जो मुझे खुश रखे और खैर शादी करने का मेरा दिल तो नहीं है लेकिन अब मुझे लगता है कि आप भी है, आप भी कह रहे हैं और काफी लोगों ने भी कहा शादी करनी चाहिए क्योंकि एक बात है माँ बाप भी कब तक सपोर्ट करेंगे एक वक्त आता है माँ बाप भी मना कर देते हैं इन सब को चीज़ों को साइड पे रख के ना मैं आपको औरत की साइकोलॉजी बताता हूँ इस बात से आप एग्री करेंगे मर्द ना मर्द वो एक वक्त में ना मुतद औरतों का सोच सकता है मतलब उसके दिमाग में बड़ी औरतें हो सकती हैं मर्द के दिमाग में औरत है ना जब वो किसी की है या किसी की ये है या किसी को उसने कह दिया कि बस मैं अब तुम्हारी हूं तो फिर वो किसी और का नहीं सोचती अभी आप जहनी तौर पे उस मर्द के साथ हैं इसीलिए कोई मर्द आपको ना हो नहीं रहा इतने आप चेक एंड बैलेंसेस अपने क्रिएट कर रही हैं आप एक दफा इनिशिएटिव उठाएं और आई एम श्योर कि आपका ये प्रॉब्लम जब हल हो जाएगा ना देखिए जिंदगी में कोई आपको खुशियां दे ये गारंटी नहीं है लेकिन आप किसी को खुशियां दें ये गारंटी होनी चाहिए आपको कि आपने खुद किसी को खुशियां देनी है और किसी से खुशियां डिमांड नहीं करनी मैंने अपनी मैरिड लाइफ से एक ही चीज सीखी है कि आप इस रिश्ते में गिव एंड टेक की पॉलिसी ना अपनाएं आप एक ही पॉलिसी अपनाएं कि सिर्फ आपकी तरफ से आपका जो पार्टनर है उसको दुख ना पहुंचे वो जो करता है जैसा करता है आप उसको उसके हाल पे छोड़ दें उसके रब पे छोड़ दें अब आपने करना क्या छोटा सा काम कर लें एक तो शादी का फौरन से पहले अरेंजमेंट्स करें ठीक है अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करे और मैं मीन वाइल बहुत जल्द मैं ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ ना मैं मुख्तलि लोगों को थोड़ा हेल्प आउट कर सकूँ कि बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो मर्द हैं जो औरतें हैं जो दूसरी तीसरी चौथी शादी चाहते हैं उन लोगों को एक ऐसा किया जाए कि सब एक एक मेच्योर लोगों का एक ग्रुप क्रिएट किया जाए कि जिसमें एक दूसरे के हकूक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए नॉर्मली इस माशरे में दूसरी शादी को बहुत बुरा समझा जाता है बहुत अच्छा तो हमने इनशाला मैंने कोई ना कोई ऐसा जो है ना वो जरूर क्रिएट करना है ताकि ऐसे लोगों की हेल्प हो सके अच्छा पहली बात तो ये नींद को बैलेंस कर लें नींद को ठीक कर दे नींद आए या ना आए आई नो वेरी हार्ड आपके लिए बहुत हार्ड होगा ठीक है नींद आए या ना आए लेकिन नींद बेड टाइमिंग सेट करें ठीक है नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक की बेड टाइमिंग हो आपकी ठीक है इससे ज्यादा नहीं आपने सोना ठीक है पूरा दिन आप काम करती रहे घर के कोई ना कोई काम क्योंकि एनर्जी आप जितनी इस्तेमाल करेंगी ना आपको ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की जरूरत है ठीक है वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर हो रही है तो वो तोलेड आपने ज्यादा खाना है जितना ज्यादा हो सके सैलेड खाएं दही खाएं डाइट अच्छी करें वॉक करें एक्सरसाइज करें मेडिसिन में कुछ नहीं पड़ा आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें खुद को बेहतरीन करें रनिंग करें नमाज पढ़ें अल्लाह को कसरत अल्ला से याद करें कुरान पढ़ें और अल्लाह से कहें अल्लाह मैं मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मुझे अपने हबीब के सदके मेरी अगर कोई मेरी बात तुझे बुरी लग गई या मेरे से कोई गलती होगी माफ कर दे और मेरी जिंदगी में जो भी आने वाला लाइफ पार्टनर है बस उसकी और मेरी खुशियां जोड़ दे बाकी और कुछ नहीं है आपके लिए आप डिप्रेशन बाहर ढूंढ रही आपके डिप्रेशन है नहीं है आपकी शादी होगी आपके सारे मसले खुद बखुद हो जाने ये जो आप इतना ज्यादा सोच रही है आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़नी आपको वही सुकून की नींद आनी है आपको वही बस एक चीज आपने करनी है कि आपने अपनी बेटी के साथ और अपने शोहर के साथ दो अलग अलग ताल्लुकात कायम रखने हैं ठीक है थीके? जो आपका शोहर होगा वो एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो आपकी बच्ची है वो एक अलग डिपार्टमेंट है क्योंकि औरत यहाँ आके कंफ्यूज होती है अगर औरत को कोई चीज तोड़ती है तो वो यहाँ आके तोड़ती है क्योंकि अगर अल्लाह तला आपको नए बच्चे देगा नए सारे मामला होंगे फिर आप कंफ्यूजन का शिकार ना होगा क्योंकि उसका बाप नहीं है उन बच्चों का बाप होगा

मैं पहुंच दू जैसे किसी ने भी साथ नहीं दिया कुछ सुनता है दुख जिससे आपने कहा कि बहुत हिम्मत से मैं बैठी हुई हूँ काफी लोग जो मेरे मतलब अननोन मुझसे मिलते हैं देखते हैं मुझे पूछते हैं वो ये बोलते हैं तुम बहुत हिम्मत वाली होने ना 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 बहुत हिम्मत दी है मुझे और अल्लाह ने मेरे शुरू का वक्त तो बहुत मुश्किल था और बच्ची बहुत छोड़ती थी उसके साथ भी रहना करना मतलब कि उसके साथ बहुत मुश्किल वक्त था मेरा अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी जो बात अल्लाह हिम्मत देते हैं और बस बंदे की गुनाह भी होते हैं कुछ अपनी गलतियां होती हैं हमारी छुट्टी लेकिन उस वक़्त हमारी कोई लड़ाई नहीं थी हमारे अलग हुए थे और मेरे हसबेंड साइन भी नहीं कर रहे थे अभी यकीन कर क्योंकि अल्लाह ने मोहब्बत डाली थी हमारे दिलों में हम बहुत खुश भी थे अल्हम्दुलिल्लाह बस नसीब में अलहमदुल्ल बता की नसीब था या मेरे गुनाह थे और अब कहीं गए रूहानी मैंने लाश करवाया उन्होंने कहा कि बंदिश है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने कहा बस बंदिश है जादू है क्या है समझ नहीं आता बाजार चले आप अल्लाह से करें और आप कहते हैं कि खौफ की मरना, मरना, मरना तो है वो तो मरना है लेकिन ये आपने कहा ना ये आपकी बात ये थी वीडियो में कल भी कोई खौफ था आज भी, भी खौफ है मैं मरी क्यों नहीं एक साल से जिंदा बैठी हूँ अभी भी एक साल से आपने कहा मैं जिंदा हूँ तो आप भी दस साल में मरेंगे मरना तो है लेकिन बेश्चिक. बस ये कि मरने से पहले अल्लाह हम तैयारी कर मरेंगे मेरी दो दीद हुआ कि अल्लाह राजी हो तो अब मौत बेश्चिक. आए बेशक, मरने बेश्चिक. का खौफ हमें बसानी इंसान को बेशक और आप मुझे बहुत दुआ में याद रखिएगा कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊं अच्छा एक मशवरा कर रही थी जी सर में मेरे है, मैं मेरे दर्द एक्सरे नहीं आप जो मर्जी कर लें सर का एक्सरे नहीं जो मर्जी कर लें जो अच्छा। मर्जी कर लें बस एक बार जो बात आपको मैंने कह दी ना एक बार इस पे आप चल के देख लें जी जी मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई बंदा अभी आपका हाथ पकड़ लेगा ना गिनती के सिर्फ तीन दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी गिनती के सिर्फ तीन दिन कि ये आप मैं आपको ना एक छोटी सी बात बता मेरा एक दोस्त है ठीक है वो दूसरी शादी करना चाहता था मेरा एक दोस्त है और बड़ा मेरा क्लोज फ्रेंड है तो उसके घर वालों ने उसे दूसरी शादी नहीं करने दी सोसाइटी ने इर्द गिर्द के लोगों ने सब ने कहा जी कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो हर चीज तुमसे अलग हो जाएगी तुम्हारी बीवी छोड़ के चली जाएगी मर्दों को ये दुख ज्यादा होता है वैसे बाय द वे मैं आपको सच बता रहा हूँ पाकिस्तानी मर्दों को ना ये ज्यादा ये चीज होती है तो उसने ना बड़ी बेचारे ने कोशिश की अब मुझे वो जब बातें ये बताता था ना मुझे नहीं पता चलता था क्योंकि वो मुझसे बड़ा भी था तो मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों का तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी बाद में जब मेरी शादी हुई मुझे पता चली तो वो ना ऐसे ऐह ही सोचता रहता था रोता रहता था परेशान होता रहता था गुस्सा रहता था चिड़चिड़ापन हमने उसकी दुकान मतलब उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी हमने उसके पास बैठना बातें करनी तो उसने बड़ा ना चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहना तो वो कहता था कि यार मेरे अंदर जो चीज चलती है ना उसे कुछ समझता नहीं बहुत देर बाद जब मैं इन सारी चीजों से गुजरा तो मुझे तो यही लगता था ना डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है यानी कि हालातों का डिप्रेशन होता है लेकिन ये शादी का भी डिप्रेशन होता है ये मुझे बहुत देर बाद उस बंदे को ना पढ़ के पता चला और वाकई वो बंदा मैंने उसको देखा जवानी में गंजा होते देखा परेशान होते देखा रो रो के उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे कोई जिंदगी नहीं थी बाल सफेद हर चीज तो उसके अंदर एक दुख था जो दुख किसी और को नजर नहीं आता था किसी और को दिखाई नहीं देता था तो ये जो दुख होता है ना ये हमें असल में एक दर्द होती है यहां आपने मुझे मारा मैंने आपके हाथ पे कोई चोट लगी तो ये एक्सटर्नल पेन है ठीक है एक पेन होती है इंटरनल जिसे इमोशनली पेन कहा जाता है हमारे अंदर की जो पेन है वो कम ही लोग समझते हैं मेरी यहाँ चोट लगी यहाँ हाथ पे तो सारा स्टाफ मुझसे पूछने लग पड़ा हाय सर आपको क्या हो गया सर अल्लाह तला तो आपको सेहत देता देते और मैंने कहा यार एक दर्द मेरे अंदर है एक तकलीफ मेरे अंदर है आज तक मुझसे उसके बारे में किसी ने पूछा ही नहीं उसके बारे में किसी ने बात ही नहीं की वो एक औरत थी ना उसने नए कंगन लिए तो वो हर किसी के पास जाती है कहती है हाँ हाँ क्या कर रही हो क्या कर रही हो कैसी हो तो कोई उसके कंगन को नोटिस नहीं कर रहा था तो वो कहती ये क्या बात होगी मैंने तो नए कंगन लिए तो कोई मेरे कंगन को नोटिस नहीं कर रहा उसने के जिन में ख्याल आया अगर मैं अपनी जो है ना झोपड़ी को आग लगाती हूँ तो फिर मैं पीटूंगी हाय अल्लाह मेरी जल गई झोपड़ी हाय अल्लाह मेरी जग गई तो लोग आएंगे झोंपड़ी को देखेंगे और फिर मेरे हाथों को भी अच्छा तुमने नए कंगन खरीदे हैं उसने क्या किया उसने ऐसे ही किया उसने घर में तेल फेंक के आग लगा दी लोग आए उसकी झोंपड़ी को देखने लग पड़े हो सारे तो फिर वो पीट रही हाय अल्लाह मेरी झोंपड़ी सारे कहते एक औरत बोली हाय अल्लाह तुमने नए कंगन खरीदे हैं वो वो कहती जे तुम्हें मैंने पहला कह देती मैं घर ही नहीं साड़ना सी तो मतलब आप जब किसी बंदे को नोटिस ही नहीं करोगे तो वो बेचारा आपकी अटेंशन को मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना तो ये अटेंशन के सारे मामला होते हैं अगर हमारे लोग हमारे साथ अच्छे बिहेवियर्स रखें तो हम कभी भी इन चीज़ों को ना मतलब अभी भी मैं जानता हूं कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ उस तरह से मामला करती है ना तो आपके बहुत से मामला हल हो सकते हैं लेकिन दुनिया नहीं बदलती इंसान ने खुद खुद को बदलना होता है बाकी अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करे अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे आपकी बच्ची को सेहत दे तंदरुस्ती दे और उसको आपने तरबियत अच्छी करनी है उसकी तरबियत आपने ऐसी करनी है कि वो जिस घर में भी जाए उस घर को रोशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरबियत हो रही है माशाल्लाह माशाल्लाह बस उसे दीन से जोड़े। अच्छा दीन अच्छा दुनिया दोनों सिखाए माशाल्लाह मतलब वो तो काफी ऑलमोस्ट जी जी ठीक हो गया अच्छा और इसके अलावा क्या कह रही थी माशाल्लाह माशा मैं ही कह रही थी

जेनी तौर पर एडमिट कर लें कि बस आप शादी नहीं कर रहे ठीक है अगर तो करनी है तो फिर मूव ठीक है अगर नहीं करनी तो उसको खत्म अगर तो उसको खत्म कर देंगे तो आप फिर वो आपके अंदर जो एक आस होती है ना मारती इंसान को आस है ठीक है इंसान को जब भी मारती ना उसको आस मारती है किसी के आने की आस किसी के साथ की आस वो क्या कहता है कोई मर जाए तो सुकून आ जाता है कोई जिंदा और दूर हो तो सुकून नहीं आता ठीक है तो जब आप इस चीज को क्लियर कर देंगे खत्म कर देंगे कि नहीं दैट्स इट तो वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा लेकिन अगर आपने करना है तो फिर उसको जल्दी कर लें ठीक है इसको ना करें बहुत ज्यादा चॉइसेस फाइंड ना करें जो मिलता है अल्लाह तला से बस कहें कि अल्लाह तला बस उस रिश्ते में बरकत डाल दी और आप माशाला एक सेंसिबल है और एक सोबर है आप, आप हैंडल कर लेंगे ठीक है अब इन सारी चीजों के लिए अभी के लिए ये वॉक करें एक्सरसाइज करें खाना पीना ठीक करें जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ये सारी चीजें आपकी खत्म कर देगी ये चीज़ें नमाज पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें बाज दफ़ा दर्द हमें उतनी नहीं होती जितनी हम महसूस करते हैं ठीक है थीके? अगर मुझे यहाँ दर्द हुई है और मैंने अंदर क्या सिग्नल दिया है ये दर्द या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी या तो बहुत छोटी हो जाएगी ये डिपेंड करेगा यहाँ के सिग्नल पे ठीक है मैंने उस सिग्नल को कैसे

तस्वीरों नहीं आएगी ना रिकॉर्डिंग आएगी ना जी जी नहीं मिजि़? आपकी सिर्फ रिकॉर्डिंग आएगी तस्वीर नहीं आएगी परेशान नियेगा ठीक है अपना तो तो बहुत ज्यादा ख्याल बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया बहुं बहुं